कुछ रेस किचन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी पुरणपोली। चना दाल को अच्छे से 3 से 4 बार धो लेना है। चना दाल धो के तैयार है, उसे पकाने के लिए हमें कुकर का इस्तेमाल करना है। जितनी चना दाल थी उसके 3 गुना हमें पानी लेना है। थोड़ा तेल डाल दो इसमें। और ये लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखना है। एक तरफ हमारे दाल पक रहे हैं, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के लिए स्वादानुसार नमक, 1-2 चम्मच तेल, और ये आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है। आटा गूंद के तैयार है। पूरणपोली सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा तेल लगा के और इसे मसल लेती हूँ और एक आधा घंटे के लिए इसे रख देना है। फिर दाल अच्छी गल चुकी है, ऐसी होनी चाहिए देखो। और इसके अंदर जो पानी है निकाल लेती हूँ। इसका पानी निकल चुका है, इसे अब मिक्सी में क्रश कर लेती हूँ। और ये जो पानी है हम लोग इसकी आमटी बनाते हैं, जो पूरणपोली के साथ खाई जाती है। दाल पीस के तैयार है, अब मैं इसे पैन में डालती हूँ। और जितनी दाल हमने ली थी उतना ही हमें इसमें गुड़ डालना है। और ये गाढ़ा होने तक पकाना है। ये पूरन में अभी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर डाल देती हूँ। ये पक रहा है अभी। स्वादानुसार इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ और ये जल ना जाए इसलिए इसे चलाते रहना है। पूरन बन के तैयार है, ये देखो इतना गाढ़ा जाइए ऐसा। आटे की लोई तैयार है, अब इसके अंदर हमें पूरन डालना है। जैसा हम लोग पराठा स्टफ करते हैं वैसे ही करना है।
इसे ज्यादा मोटी बेलना नहीं है, पतली बेलना है। इसके ऊपर हमें घी छोड़ना है, देसी घी है, कंदूसी बिल्कुल करना नहीं है। अच्छे ऊपर से क्रिस्पी करना है, खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। पूरन पोली हमारी तैयार है। महाराष्ट्र में पूरन पोली को आमरस के साथ सर्व किया जाता है। पूरन पोली आमरस के साथ तैयार है, उसके साथ थोड़ा तीखा स्वाद रहे इसलिए आमटी बनाई हुई है। आमटी की रेसिपी बाद में शेयर करूंगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।